चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके समसामयिक घटना चक्र वार्षिकांक के बारे में, जो आप देखते हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स होता है उस समय ये निकलती है। और याद रखिए, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है आपकी, फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, यूपीएससी हो गया, एमपीएससी हो, एमपीपीएससी, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, और भी जो आपके वनडे एग्जाम होते रहते हैं, जिस भी परीक्षा में एक तरह से आप कह सकते हैं जहाँ भी आपका करंट अफेयर्स पूछा जाए, वहाँ सब भी एग्जामों के लिए जरूरी है। तो इसमें हम लोग एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म कर चुके हैं, आपका राष्ट्रीय परिदृश्य, विधिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, फिर आपने देखा है कि आर्थिक परिदृश्य, बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा, फिर वैज्ञानिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश को भी देख चुके हैं क्योंकि आपका यूपीपीसीएस आने वाला है ना। संक्षिप्ति हम लोगों ने बात की थी, चर्चित व्यक्ति भी देख लिए, और जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और जो भी राज्यों में पुरस्कार दिए जाते हैं उन पर भी बात कर चुकी थी। अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थल और राष्ट्रीय स्थल जो भी चर्चा में रहे हैं 2019-20 में, उन्हें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक ही क्लास में कोशिश करूंगा कि इन जो भी स्थल है आपके चर्चित रहे हैं उन्हें हम लोग कवर कर लें। नाइजीरिया, नाइजीरिया क्यों चर्चा में था? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा नाइजीरिया पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, कब? 25 अगस्त 2020 को। वर्तमान समय में केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे ही दो देश हैं जहां अभी भी पोलियो वायरस मौजूद है, ठीक है। कौन कौन से? अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये वैसे भी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, समझ रहे हैं आप लोग, गरीबी है यहाँ। तो नाइजीरिया भी पहले शामिल था, लेकिन 25 अगस्त 2020 को इसे नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। तो पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान इसके बारे में कि कौन अभी भी जहाँ पोलियो पाया जाता है, तो आप याद रखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक बात और बताऊं, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं आप लोग। और याद रखिए, आपके जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन सबको हम लोग कवर कर चुके हैं, तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में डले हुए हैं। फिर भी आपको लगता है कि कोई छूटा है तो आप बताइए, उसी में भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर आपने देखा होगा मॉरिशस, ये क्यों चर्चा में था? मॉरिशस के दक्षिण पूर्व तट पर तेल रिसाव की घटना के उपरांत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, 7 अगस्त 2020 की घटना है। तेल रिसाव की यह घटना जापानी जहाज MV वाकासियो ने के कोरल चट्टानों से घटना के पश्चात यानी कि टकराने के पश्चात हुई है, ठीक है। फिर आप देखेंगे लॉस एंजल्स, ये क्यों था चर्चा में? विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमेरिका के लॉस एंजल्स में शहर में स्थापित स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया 23 जून 2020 को। भारत के बाहर स्थापित पहला योग विद्यालय है, विश्वविद्यालय। आजकल देखिए आप लोग हर कोई योग पर ध्यान दे रहा है, मुझे लगता है कि आपको भी 5-10 मिनट करना चाहिए, आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इस विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष भारतीय योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र नियुक्त किए गए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये भारतीय योग गुरु हैं डॉक्टर HR नागेंद्र, ये इस विद्यालय के पहले अध्यक्ष हैं, और इसका उद्घाटन पूछ सकते हैं तो मुरलीधरन द्वारा किया गया, बी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री हैं, और कहाँ किया गया? लॉस एंजल्स में। फिलीपींस, टाइफून फान से सर्वाधिक प्रभावित देश है आपका फिलीपींस, दिसंबर 2019 की बात है। इससे 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है, और फिलीपींस में इस तूफान को टाइफून उर्सुला के नाम से जाना गया, टाइफून उर्सुला। सिंगापुर, अतुल्य भारत रोड शो का आयोजन किया गया, अतुल्य भारत रोड शो का आयोजन किया गया कहाँ? सिंगापुर में, 9 दिसंबर 2019 की बात है। 11 से 15 नवंबर 2019 के मध्य आयोजित सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल 2019 के दौरान भीम UPI की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहली बार शुरुआत की थी, तो सिंगापुर में, ठीक है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चीनी की अधिक मात्रा वाली अस्वास्थ्यकर पेय सामग्रियों के विज्ञापन पर प्रतिबंध भी लगाया है। इस प्रकार प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है कौन सा? सिंगापुर, ठीक है। पहले यहां हम लोग ऊपर कुछ दिए गए हैं, इसमें इन्हें देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल आसूगंज, आसूगंज
बांग्लादेश की सरकार द्वारा 1971 की बांग्लादेशी स्वतंत्रता संघर्ष में पाकिस्तानी सेना के साथ लड़ते हुए शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में बरिया जिले में स्थित आसूगंज के एक में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया 6 अगस्त 2020 को। आपको बताऊं, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का जो युद्ध हुआ था, उसी में मतलब उसी का परिणाम था बांग्लादेश नया देश बना था, यानी कि हमारी ही एक तरह से पूरी उसमें योगदान था। तो इतना ही ना करें तो फिर क्या करें, बताओ। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। तुर्की तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कल काला सागर क्षेत्र में अब तक की सबसे विशाल प्राकृतिक गैस भंडार के खोजे जाने की घोषणा की है 1 अगस्त 2020 में। थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड मंत्रिमंडल द्वारा सिविल पार्टनरशिप विधेयक को मंजूरी दी गई 8 जुलाई 2020 को। यह विधेयक समलैंगिक प्रेम संबंधों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। समझ रहे हैं? मालदीव राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से पुनः शामिल हुआ है 1 फरवरी 2020 से। मालदीव गैलापागोस द्वीप समूह, इक्वाडोर ने गैलापागोस द्वीप समूह में ईंधन फैलने से पर्यावरण में हो रहे नुकसान को नियंत्रित करने के लिए हेतु आपातकाल की घोषणा की है। 22 दिसंबर 2019 को ईंधन रिसाव 600 गैलन डीजल ले जा रहे एक पोत के डूब जाने से हुआ था। अबू धाबी मास्कट ओमान में आयोजित 26वें विश्व यात्रा पुरस्कार में अबू धाबी को विश्व के अग्रणी खेल पर्यटक गंतव्य के रूप में चुना गया है। ये 26 नवंबर 2019 की। याद रखिए, कई देशों को आपको देखने को मिलेगा कि कई देशों की अर्थव्यवस्था ही मतलब पर्यटन से चलती है। आप सोचिए, हमारे देश में भी लोग घूमने आते हैं, पर्यटन होता है, इसीलिए हमारे देश में भी कई मतलब कई हजार लोगों को लाखों लोगों को नौकरी भी देता है और अर्थव्यवस्था में योगदान भी बहुत बड़ा है पर्यटन का। लेकिन आप जान रहे हैं कि 2020 में पूरा चौपट हो गया, क्योंकि कोरोना वायरस और जो आपका लॉकडाउन लगा गया इसके कारण। बेलग्रेड अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित हुई है 13 से 17 अक्टूबर 2019 के बीच। इस बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भाग लिया। गंडान तेंग चेन लेन मठ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खल्त भागीन बत्तोगलगा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उलान बत्तार में इस मठ में स्थापित भगवान बुद्ध और उनके दो शिष्यों की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये 20 सितंबर 2019 की बात है। ठीक है, आगे आपका पेरिस। पेरिस क्यों चर्चा में था? पेरिस शांति फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया 11 से 13 नवंबर 2019 के मध्य। इस फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर साहब ने किया है। मैनचेस्टर, ब्रिटेन के मैनचेस्टर में विश्व का पहला कैश बैंक खोला गया है 2 अक्टूबर 2019 की बात है। यहाँ पर 2500 पाउंड की राशि देकर युवावस्था में अपने बालों का नमूना परेज कराया जा सकता है। आप समझ रहे हैं, विश्व का पहला केश बैंक यानी कि हेयर बाल बैंक। समझ रहे हैं आप, 2500 रुपया देकर अपने युवावस्था के बालों का नमूना परेज करवा सकते हैं। बुढ़ापे में कोई कमी रही तो आप लोग उसका यूज भी कर सकते हैं। देखिए, अब तकनीकी बहुत आगे जा रही है, इसके साथ मैं इसीलिए तो कहता हूं कि जुड़े रहिए। विक्टोरिया, भारतीय स्टेट बैंक ने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपनी नई शाखा का उद्घाटन किया 30 दिसंबर 2019 की बात है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला बैंक है। कोलंबो, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना द्वारा कोलंबो में निर्मित दक्षिण एशिया की सबसे ऊंचे टावर लॉटस टावर का उद्घाटन किया है। इस टावर की ऊंचाई कितनी है? 356 मीटर एंटीना से। वियतनाम, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन हुआ है 7 सितंबर 2019 में। दाऊ तेंग सौर ऊर्जा कॉम्प्लेक्स नामक इस फार्म का निर्माण वियतनाम की सबसे बड़ी किंतिम झील दाऊ तेंग जलाशय पर किया गया है। ठीक है, तो ये थे आपके अंतर्राष्ट्रीय कुछ जो भी स्थल चर्चा में रहे हैं। और देखिए, आप लोग एक बात हमेशा याद रखिए, जब आपका मैप्स हम लोग कवर कर रहे थे, वर्ल्ड मैप्स आपने देखा था पूरा, सब कुछ सभी देशों को देखा है, सब कुछ देख लिया एक तरह से, आप विश्व भूगोल का कहिए आप लोग, तो 90% तक मुझे लगता है कि कवर कर चुके हम उससे, और पूरा मैप्स का सहारा ले लेते हुए।
उस समय कई बच्चों के सवाल थे कि वो इतने देशों को याद कर पाना, इतनी सब चीजों को याद कर पाना मुश्किल है। तो ये हकीकत है, आपके लिए नहीं मुश्किल है, हर किसी के लिए मुश्किल है। लेकिन स्मार्ट गिरी इसमें दिखानी होती है आपको। क्या दिखानी होती है? स्मार्ट गिरी यानी कि तरह कहिए चतुराई दिखानी पड़ती है। चतुराई कैसी दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं कि कोई देश चर्चा में रहा, क्यों रहा, वहां की जानकारी वहां की इकट्ठी करिए। क्योंकि अब देखिए पूरे देश सभी देशों को याद कर पाना हर साल अच्छी बात नहीं है। और देखिए इतना आपके पास मेमोरी भी कम है। मूवी की अलग बात है कि आप 2.5 घंटे मूवी देखते हैं, एक एक सीन याद हो जाता है, लेकिन बुक्स या कोई भी किताब पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है। तो ये लेबनान अभी देखा है आपने कि चर्चा में था, इसमें शामिल नहीं किया गया। लेबनान आपने देखा है, हम लोगों ने एक पूरी क्लास भी ली थी उस पर। तो अमोनियम सल्फेट के कारण आपने देखा था कि वहां वो विस्फोट हुआ था। तो यही तो है, अगर विस्फोट कहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, चर्चा में है, न्यूज में, तो उसके बारे में जो भी आसपास पॉइंट है उन सब के बारे में याद रख लेना चाहिए। ठीक है, यही एक तरह से स्मार्टगिरी या जो भी कह सकते हैं आप करिए। फिर आप देखें राष्ट्रीय स्थल देख लेते हैं, भोपाल। भोपाल क्यों चर्चा में था? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल की सौर स्मारक में निर्मित भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है 15 अगस्त 2020 को। इस प्रतिमा का निर्माण मूर्तिकार राजकुमार पंडित ने किया है, तो इसे जरूर याद रखिए। कौन है मूर्तिकार? राजकुमार पंडित। लद्दाख, भारतीय वायुसेना द्वारा लद्दाख क्षेत्र में 2 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों HLCH की तैनाती की गई है। ये 12 अगस्त 2020 की बात। LCH हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित विश्व का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। पहली खाद्य प्रसंस्करण शिखर बैठक आयोजित 16 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए विशेष विंटर ग्रेड डीजल को लॉन्च भी किया है। 17 नवंबर 2019 की बात है। फिर आपका हुबली, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुबली में स्थापित रेलवे संग्रहालय देश को समर्पित किया है 9 अगस्त 2020 को। हुबली में स्थापित यह रेलवे संग्रहालय उत्तरी कर्नाटक में अपनी तरह का पहला और मैसूर के ऐतिहासिक मैसूर रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिम देश में रेलवे में दूसरा संग्रहालय है। ठीक है, हुबली। नोएडा, ये क्यों चर्चा में था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में सेक्टर 39 में स्थापित नोएडा कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया, ये 8 अगस्त 2020 की बात है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा 1250 किलोग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट से निर्मित सबसे बड़े चरखे का लोकार्पण भी किया है 1 अक्टूबर 2019 को। सेक्टर 94 में स्थापित इस चरखे का वजन 1650 किलोग्राम और आकार इसका 14 फुट × 20 फुट × 8 फुट है। तो इसे भी आप लोग बड़े अच्छे से याद रखिए। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा इस चरखे को देश में प्लास्टिक अपशिष्ट से निर्मित सबसे बड़े चरखे के तौर पर चिन्हित भी किया गया है। फिर आप देखेंगे जगदलपुर नगर निगम, ये क्यों चर्चा में है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आभासी मंच पर जगदलपुर के 4 लाभार्थियों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं, ये 1 अगस्त 2020 की है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ का जगदलपुर नगर निगम शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। एक बार और आपको बताऊं, देखिए इससे पहले आप देखते थे कि आजादी से पहले आप देखिए अंग्रेजों से पहले देखिए अपने अपने क्षेत्र हुआ करते थे आदिवासियों के, उसमें देखिए कोई उनमें छेड़छाड़ नहीं करता था, कोई भी महाराजा आया हो, राजा आया हो, मुस्लिमों को शासक रहा हो, किसी का शासक रहा हो, लेकिन अंग्रेजों ने उनके क्षेत्र को हड़पा बाद में। आप इसीलिए तो देखते हैं कई जनजाति आप देखते हैं कि विद्रोह हुए, किसान विद्रोह भी हुए, तो उन्हें अधिकार देना अच्छी बात है। ठीक है, वनभूमि के अधिकार। लंका, उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण हेतु केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया 1 अगस्त 2020 को। यह केंद्र उत्तरकाशी वन प्रभाग के भैरो घाटी क्षेत्र में लंका नामक स्थान पर स्थापित किया जाएगा। यह देश के पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा, लंका मेघा उत्तराखंड। अयोध्या, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भूमि पूजन किया और आधारशिला रखी 5 अगस्त 2019
बिस्कुट डेट पूछ सकता है आपका, यूपीपीसीएस में पूछ ले क्या ठिकाना है। देखिए कभी भी पढ़ते हैं आप लोग तो बारीकी से पढ़ा करिएगा, क्योंकि देख लेते हैं कभी कभी आप इंटरव्यू में भी आपको पूछ लेता है, ठीक है, तो आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ा करिएगा। और पढ़ने का मैं देखता हूं आजकल, आजकल तरीका बदल चुका है पढ़ाई का, बगल में फोन रहेगा और साथ में फोन चलेगा और पढ़ते रहेंगे। देखिए इस तरह मुझे नहीं लगता है कि आपको फायदा होता होगा, तो बड़े ध्यान से सब कुछ बंद कर दिया करिएगा जब आप लोग पढ़ रहे हो, बिल्कुल फोन वोन बंद सब, और जब आप मोबाइल चला रहे हो उस समय पढ़ाई से आपका दूर दूर तक कोई नाता ना होना चाहिए, ठीक है, तो बड़े अच्छे से ध्यान देकर पढ़ा करिएगा। भूमि पूजन के पूर्व उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में पारिजात का पौधा भी लगाया है। प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। प्रयागराज, प्रयागराज उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। अगस्त 2020 की बात है। प्रयागराज में 25 एकड़ भूमि पर स्थापित किए जाने वाले इस विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। कोलासिब केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा वर्चुअल माध्यम से मिजोरम के कोलासिब में स्थापित जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड का उद्घाटन किया गया 20 जुलाई 2020 को। यह मिजोरम का पहला संचालित मेगा फूड पार्क है। याद रखिए अभी देखा होगा आपने कि हरसिमरत कौर बादल ने अभी इस्तीफा भी दे दिया है किसानों के कारण, ठीक है, किसानों का जो आंदोलन हो रहा है उसमें। गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख में स्थित गलवान घाटी क्षेत्र में भारतीय सेना और चीनी सेना के मध्य हिंसक झड़प हुई है 15 जून 2020 को। हमने देखा है कि 20 हमारे भारतीय सैनिकों की मृत्यु हो गई है और चीन के 40 से अधिक सैनिक हताहत हुए हैं। देखिए एक बात और है, चीनी जो है ये अपने बताते नहीं है कि इतने लोग हमारे यहाँ मारे गए। अभी आपने कोरोना महामारी में भी देखा है कि इन्होंने कोई आंकड़े नहीं दिए हैं, तो कहा जा रहा है कि 40 से ज्यादा। अब देखिए वो तो वो जानते होंगे कितने मारे गए उनके, लेकिन हमारे जो भी शहीद हुए हैं ये जग जाहिर है सबके सामने। पर आपने देखा है आर आर वेंकटपुरम गांव, तो विशाखापट्टनम के आर आर वेंकटपुरम गांव स्थित एल जी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गैस रिसाव की घटना हुई आप 7 मई 2020 की बात है। इस कंपनी में कंपनी से स्टायरिन गैस के रिसाव होने के कारण 10 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है, तो इस गैस को जरूर याद रखिए स्टायरिन, क्योंकि आप देखते हैं कि विशा कई बार पूछ लेता है गैस। भोपाल गैस त्रासदी की आप लोगों ने सुनी होगी, उसमें MIC मेथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था, तो उसे भी कई बार बन चुका है। पर आप देखेंगे लिपू लेक काला पानी और लिम्पिया धूरा एक क्यों चर्चा में रहे हैं। नेपाल सरकार ने देश का नया राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र जारी किया है, ये मई 2020 की बात है। इसके बाद आपने देखा है कि पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहा, पाकिस्तान ने भी अपना मैप्स जारी कर दिया है उसमें। और देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान ने पूरा जम्मू कश्मीर अपने हिस्से में ले लिया, जम्मू कश्मीर को छोड़िए उसने अपना जो गुजरात का हिस्सा है जूनागढ़ इसे भी अपने में समाहित करके बता दिया है। तो देखिए अलग बात है, हम कर रहे हैं करने दीजिए। इस मानचित्र में भारत के लिपू लेक काला पानी और लिम्पिया धूरा स्थानों को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है। ये प्रॉब्लम तब से खड़ी हुई जब हमने देखा है कि हमने लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। उसके बाद हम लोगों ने एक नया मैप जारी किया, उसमें हमने अपना अपना हिस्सा बताया, लेकिन आप देख रहे हैं कि किसी को मान नहीं है तो वो अपना अपना अपनी तरफ से जारी कर रहे हैं, तो खैर करने दीजिए। ये अन्य स्थल भी आपके कुछ चर्चा में रहे हैं, इन्हें भी देख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय स्थल कोचीकोड, कोड केरल संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG के अनुरूप भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा, ठीक है, कौन, केरल। एक बात और याद रखिए इसमें जो आपके 17 सतत विकास लक्ष्य इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि आपका प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं और आपका जो मेंस है इसमें भी आपको डालने के लिए आंकड़े हो जाते हैं, तो बड़े अच्छे से याद रख लीजिए उसे। बनारसी केंद्रीय
केंद्रीय कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा संयुक्त रूप से वाराणसी के लिए मोबाइल लैब लावाइक धनवंतरी चलंत अस्पताल का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। ये कब हुआ है? 14 अगस्त 2020 की बात है। पर आप देखेंगे चल के रे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से कर्नाटक के चित्रदुर्ग में चल के रे साइंस सिटी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय विज्ञान संस्थान कौशल विज्ञान केंद्र HALIISCSDC का उद्घाटन 13 अगस्त 2020 को किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने, आप जानते हैं इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, ने घोषणा की कि मानव मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए नए मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित चल केरे में की जाएगी। जनवरी 2020 की बात है। बेंगलोर एक क्यों चर्चा में था? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित भारत की पहली RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन COVID-19 मोबाइल प्रयोगशाला का बंगलोर में उद्घाटन किया गया 5 अगस्त 2020 को। नोनी या नोने भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर में नोनी के निकट एजाई नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे फायर ब्रिज का निर्माण किया गया। अगस्त 2020 की बात है। आनंद एक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आनंद गुजरात में स्थापित भारत की विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया 24 जुलाई 2020 को। नई दिल्ली एक क्यों चर्चा में था? केंद्रीय मंत्री आर के सिंह द्वारा नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया गया 20 जुलाई 2020 की बात है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन की स्मृति में निर्वाचन अध्ययन के अंता विषय दृष्टिकोण पर एक विजिटिंग चेयर स्थापित करने और निधि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। और इसकी स्थापना भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में की जाएगी। मुनस्यारी उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा कुमारू की मुनस्यारी क्षेत्र में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। लाइकेन पार्क देश का पहला लाइकेन पार्क, ठीक है, मुनस्यारी ये उत्तराखंड में है। फिर आप देखेंगे देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, असम सरकार द्वारा देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड उन्नत करने का निर्णय लिया है 6 जुलाई 2020 को। चौंप गांव राजस्थान क्रिकेट संघ RCA द्वारा जयपुर के निकट चौंप गांव में 75,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा 7 जुलाई 2020 की बात है। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलोर स्थित बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान ने एनिमल एडॉप्शन स्कीम के तहत नागरिकों को एक वर्ष के लिए उद्यान के वन्य जीवों को गोद लेने घर ले जाने की अनुमति प्रदान की है 1 मई 2020। वैसा मत करिएगा कि शेर को लेके आ जाए आप लोग। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, भारतीय मौसम विज्ञान के प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के को मौसम पूर्वानुमान मानचित्र में शामिल किया गया है। अरे हम तो चाहते हैं पाकिस्तान को भी हम लोग शामिल कर लें अपने में, काहे को परेशान होता रहता है बेचारा। हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा हो जाए। नैनीताल कोरोना वायरस COVID-19 के लक्षणों वाले जानवरों के लिए भारत का पहला संगरोध केंद्र जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया, ठीक है। ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा बहुत पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में है नैनीताल। औरंगाबाद हवाई अड्डा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा रखे जाने को मंजूरी दी है 5 मार्च 2020 की बात है। देखिए याद रखिए क्या रहता है कि सरकारें आती हैं तो बड़े नाम चेंज होते हैं, कभी किसी और की सरकार आएगी तो वो चेंज करेगी, फिर दूसरी सरकार आएगी वो चेंज करेगी। पैसा है बर्बाद करिए क्या फर्क पड़ता है। चलिए मिजोरम एक क्यों चर्चा में था? मिजोरम मंत्रिमंडल ने राज्य में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। किसने? मिजोरम ने। नेल्लोर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा नेल्लोर आंध्र प्रदेश में
शास्त्रीय तेलुगु केंद्र का उद्घाटन किया गया 21 जनवरी 2020 को तुमकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुर में स्थित सिद्ध गंगा मठ का दौरा किया और श्री शिव कुमार स्वामी जी के स्मारक संग्रहालय का शिलान्यास किया। 2 जनवरी 2020 की बात है। बहादुरपुर और खेरी बीरन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी MIT गाजियाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश के बहादुरपुर और खेरी बीरन को देश के पहले आदर्श खेल ग्राउंड के रूप में विकसित किया गया। तो बहादुरपुर और खेरी बीरन, ठीक है। चंडीगढ़, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा चंडीगढ़ में स्थित केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में सखी सुरक्षा उन्नत DNA फॉरेंसिक केंद्र का उद्घाटन किया गया, ठीक है। द्वारका, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के द्वारका में भारत वंदना पार्क की आधारशिला रखी, ठीक है। कानपुर, राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कानपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। कमार रेड्डी जिला, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल और शिक्षा कोष यूनिसेफ ने 2019 के लिए जल स्वच्छता और संबंधित क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तेलंगाना के कमारेड्डी जिले को सम्मानित किया है। दिसंबर 2019 की बात है। नासिक रेलवे स्टेशन, बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने हेतु नासिक रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है। दिसंबर 2019 की बात है। भरवानी, भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड भिवानी हरियाणा में वितरित किए गए। 7 दिसंबर 2019 की बात है। नांगसेन वन, अंतरराष्ट्रीय धम्म परिषद 2019 नांगसेन वन औरंगाबाद महाराष्ट्र में आयोजित किया गया 22 से 24 नवंबर 2019 की बात है। लेह, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लेह में राष्ट्रीय सोवा रिक्पा संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ये 20 नवंबर 2019 की बात है। रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर शहर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 15 नवंबर 2019 की बात है। 15 नवंबर 2019 की। उड़ीसा, हॉकी इंडिया की घोषणा के अनुसार 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी भुवनेश्वर एवं राउरकेला उड़ीसा द्वारा की जाएगी। 27 नवंबर 2019 की बात है। डल झील, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा श्रीनगर स्थित डल झील के आसपास के क्षेत्रों को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का हेतु 10 सदस्यीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया 11 नवंबर 2019 की। गांधीनगर, गुजरात राज्य का पहला केरोसिन मुक्त जिला बना है, ठीक है। मेदनापुर रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल में स्थित यह रेलवे स्टेशन मुक्त वाईफाई की सुविधा से युक्त देश का 5000वां रेलवे स्टेशन बना है। सेवाग्राम, महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित सेवाग्राम में स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई 17 सितंबर 2019 को। ग्रेटर नोएडा, देश के पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी 17 सितंबर 2019 की, ठीक है। नागालैंड, नागालैंड सरकार द्वारा राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों पर COVID-19 उपकर लगाने का निर्णय लिया है। किसने? नागालैंड। नागालैंड पेट्रोलियम उत्पादों डीजल एवं और पेट्रोल पर COVID-19 उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर उपकर लगाया है, समझ रहे। अब देखिए आप लोग, कि आपने देखा है कि कच्चा तेल बहुत सस्ता हो गया था, पानी से भी सस्ता हो गया था, फिर भी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि और महंगा होता रहा। तो याद रखिए, हमेशा इसके लिए आपकी सरकार ही जिम्मेदार होती है। ये क्या करती है कि जब सस्ता मिलता है उस समय ना तो ये घटाती है, और जब महंगा होता जाता है तो उसकी कीमत और बढ़ा देती है, ठीक है। तो सरकार पर ही निर्भर करता है इसे क्या करना है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कोई भी कीमत रहे, अगर सरकार नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। गोवा, 7वीं U17 महिला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 के मध्य भारत में किया जाएगा। याद रखिए, यू मतलब अंडर 17 की बात कर रहा हूं। इस प्रतियोगिता का आयोजन 2 से 11 नवंबर 2020 के मध्य किया जाना था, किंतु COVID-19 महामारी के कारण इसे पुनर्निर्धारित किया गया, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोरोना वायरस फैला हुआ है और लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इसलिए बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि 2020 में कुछ ज्यादा कुछ हो नहीं पाया, तो इसलिए तो 2019 का करंट अफेयर्स पढ़ लेना चाहिए आपको। बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद तेलंगाना स्थित इस हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन
विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन किया गया। इसका मुख्य विषय क्या है, थीम क्या रही है, सभी के लिए उड़ान, सभी के लिए उड़ान। ठीक है, हजीरा एक क्यों चर्चा में था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के हजीरा में स्थित लार्सन एंड ट्रोवो L&T के बख्तरबंद प्रणाली परिषद से 51वीं K9 वज्र टी गन का अनावरण किया है 16 जनवरी 2020 को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन पर दृष्टिबाधित लोगों के लिए नेविगेशन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया 5 जनवरी 2020 की बात है। यह उत्तर भारत का पहला और देश का पांचवा रेलवे स्टेशन है जहां यह सुविधा शुरू की गई है। फिर आप देखेंगे लाजपत नगर, दिल्ली के लाजपत नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में स्थापित स्मॉग टॉवर, इसकी ऊंचाई 50 फीट है, प्रारंभ किया गया। यह दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु स्थापित किया गया पहला स्मॉग टावर है। ठीक है, फिर आप देखेंगे तूतीकुड़ी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के सिवन द्वारा छोटे उपग्रह विक्षेपण यानों की लॉन्च करने हेतु तमिलनाडु के तूतीकुड़ी जिले में दूसरा आपका लॉन्च पोर्ट स्थापित करने की घोषणा की गई है 1 जनवरी 2020 की बात है। देश का पहला स्पेस पोर्ट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, कहाँ, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। फिर आप देखेंगे नकटाह मिश्रा, देवरिया के सांसद डॉक्टर रामापति राम त्रिपाठी द्वारा भारत के पहले किन्नर ट्रांसजेंडर प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में फाजिल नगर ब्लॉक स्थित नकटाह मिश्रा गांव में बनाया जाएगा। ठीक है, फिर आप सुनते हैं पुणे, आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ता जिग्नेश पटेल द्वारा पुणे में वैक्सीन ऑल व्हील्स क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। यह भारत में शुरू की गई अपनी तरह की पहली सेवा है। ठीक है, फिर आप देखेंगे बरूनी पहाड़ी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पाइक विद्रोह के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उड़ीसा में एक स्मारक की आधारशिला रखी है। यह प्रस्तावित स्मारक खुर्दा जिले में स्थित बरूनी पहाड़ी पर निर्मित किया जाएगा। 1817 में अंग्रेजों को की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध बख्शी जगबंधु विद्यासागर के नेतृत्व में पाइक विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, फिर आप देखेंगे अरगड्डा, हैदराबाद के अरगड्डा में तुच्छा विचारों के लिए राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। फिर आप देखेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा चेनानी नासरी सुरंग का नाम परिवर्तित कर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। नाम बदलने की देखिए एक कला होती है, ठीक है, ये बदलते रहते हैं। 9.2 किलोमीटर लंबी यह सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH44 पर स्थित है। यह ना केवल देश की सबसे लंबी सुरंग है बल्कि एशिया की सबसे बड़ी द्वि दिशात्मक राजमार्ग सुरंग भी है। यह सुरंग जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित नासरी से जोड़ती है। ठीक है, फिर मुंबई, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे द्वारा देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान का मुंबई में शिलान्यास किया गया है। 2022 तक अहमदाबाद और कानपुर में इसी प्रकार के दो संस्थान स्थापित करने की भी सरकार की योजना है। तो इसी के साथ जो भी आपके चर्चित स्थल रहे हैं 2019-20 के, उन्हें हम लोग देख चुके हैं, और जो भी अगर छोटे हों तो आप लोग अपने राज्य के देखते रहिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं और मिलेंगे योजना और परियोजना में, तब तक आप लोग एंजॉय करिए।